दोस्तों दीपिका पादुकोण और बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उन पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण की ग्लोइंग स्किन का राज लक्स नहीं ड्रग्स है। एक मीम पद्मावत मूवी से जुड़ा ये भी है कि दीपिका पादुकोण से पूछा जा रहा है कि जीवन का वर्णन 3 शब्दों में करें, तो वो कह रही है माल है क्या। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोण के साथ साथ बाकी बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेकर उन पर एनसीबी का शिकंजा घिरता ही जा रहा है। इन बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस को जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो अगर ये सब चीजें करते हैं, ड्रग्स में उनका नाम इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वाकई शर्मनाक है। और वाकई अगर वो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में शामिल है तो उन पर सजा भी होनी चाहिए। इसी के बीच दोस्तों, दीपिका पादुकोण को जो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेजा था सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में, तो उसके लिए दीपिका पादुकोण अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ गोवा के पणजी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। एनसीबी ने कहा है कि दीपिका पादुकोण ने 26 सितंबर को एनसीबी द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए अपनी हामी भरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या है ये पूरा केस और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं दीपिका पादुकोण से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूं। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ए लिस्टेड बॉलीवुड एक्टर्स यानी कि जो टॉप के बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको भी अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दोस्तों, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को भी समन भेजा है और दीपिका पादुकोण ने 26 सितंबर को अपने जांच में सहयोग देने के लिए हामी भरी है। आपको बता दें दोस्तों कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से अपनी पूछताछ करने के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। दीपिका पादुकोण को 26 सितंबर को उनके मैनेजर करिश्मा के साथ जो चैट वायरल हुई थी ड्रग्स को लेकर, उसके साथ उनका सामना करवाया जाएगा और उस पर तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों सूत्रों की माने तो एनसीबी दीपिका पादुकोण से जो सवाल जवाब करेगी उसके उन्हें जुबानी जवाब तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही अपने जवाबों को उन्हें लिखित में यानी कि रिटर्न में एक पेपर पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने भी अपने जवाब लिखित में भी दिए थे। पहले दोस्तों दीपिका पादुकोण से एनसीबी अकेले में पूछताछ करेगी और फिर उनके जवाबों को वेरीफाई करने के लिए उनके मैनेजर को उनके सामने बिठाया जाएगा और फिर दोनों की क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी कि कहीं दीपिका पादुकोण गलत तो नहीं बोल रही हैं। खास बात यह है दोस्तों कि NDPS यानी कि नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 67 में अगर किसी संदिग्ध से कोई सवाल पूछा जाता है और वो उस पर चुप्पी साधता है या कोई जवाब नहीं देता, तो ये माना जाता है कि वो संदिग्ध उस अपराध में शामिल है या उस अपराध से जुड़ा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य वो छुपा रहा है। इसलिए दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब करेगी तो बॉलीवुड की मस्तानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी क्या क्या सवाल पूछेगी, चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दीपिका पादुकोण से पूछ सकती है, क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया है? अगर हाँ तो ये ड्रग्स आपको किसने दिया? साल 2017 के जो ड्रग्स मांगते चैट हैं वो क्या आपके हैं? करिश्मा जो कि आपकी मैनेजर है, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? करिश्मा से जो ड्रग्स मंगवाया था आपने वो किसके लिए मंगवाया था? करिश्मा से ड्रग्स कितनी बार मंगवाया है? ड्रग्स के लिए क्या आपने करिश्मा को पेमेंट किया, और अगर पेमेंट किया तो वो किस मोड में किया? कोको रेस्टोरेंट वाली पार्टी में कौन कौन था और वहाँ पर किस किस ने ड्रग्स का सेवन किया? ये दोस्तों कुछ सवाल हैं जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल यानी कि 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछ सकती है। तो दोस्तों कल यानी कि 26 सितंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में कल दीपिका पादुकोण एक बड़ा चेहरा है जो कि एनसीबी के सवालों के डायरेक्ट सामने होंगी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।